Praise the Lord. Amen. Amen. जैसे तुमने आज टेस्टिमोनी को सुना है, तुमने परमेश्वर के आश्चर्यकर्म को देखा है, आज तुमने महसूस किया है कि सचमुच परमेश्वर आश्चर्यकर्म करता है. Praise the Lord. चाहे कोई के भेंट रहे, चाहे कुछ भी रहे, अगर परमेश्वर के विश्वास के साथ हम लोग जो कुछ परमेश्वर से मांगेगा वो परमेश्वर हमारे लिए कर देगा. Praise the Lord. परमेश्वर के लिए कोई चीज खड़ा नहीं. अपने तुम अगर अपने आप कुछ करेगा तुम कभी सफलता नहीं पाएगा, लेकिन जब परमेश्वर से जो कुछ तुम मांगेगा अवश्य परमेश्वर तुम्हें देगा. लेकिन विश्वास हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, होना बहुत जरूरी है. Praise the Lord. आज हम देखते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर बैठा है, परमेश्वर हर एक के दिल को जानता है. आज Praise the Lord. परमेश्वर हर एक को दिल को जानता है और क्या हमारे दिमाग में हम सोचता है परमेश्वर वो भी जानता है. और यही जानता है, यही हम जानता है कि परमेश्वर जो है हमारा आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है. Praise the Lord. जो कुछ हम लोग विश्वास से मांगता है परमेश्वर अवश्य हमारे लिए वो करता है. आज हम लोग परमेश्वर की वचन में देखेंगे विश्वास के विषय में. Praise the Lord. विश्वास हम लोग एक अनदेखी वस्तु का प्रणाम है. विश्वास हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन हम लोग विश्वास कर सकते कि सचमुच हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे प्रार्थना को जवाब को देता है. Praise the Lord. कोई भी मुसीबत से हम लोग गुजरता है, कोई भी तकलीफ से गुजरता है, यही हम जानता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो अवश्य प्रार्थना के जवाब को दे. Praise the Lord. आज हम देखते हैं कि दुनिया इधर से उधर भागता है, लोग इधर उधर से भागता है, उनके प्रार्थना के जवाब को मिलता नहीं है. Praise the Lord. लेकिन हम मसीह लोग जब हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खड़ा होकर हमारी प्रार्थना जो है उसको जवाब को देता है. Praise the Lord. इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर कितना टेस्टिमनी तुम लोग के पास है कि परमेश्वर कैसे तुम्हारे जीवन में काम करता है. हम लोग रोज आकर यहाँ टेस्टिमनी बताता है कि सच मुझे परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करता है, परमेश्वर ने कैसे आश्चर्य किया. बाइबल कहता है कि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हर एक चीज हो सकता है. Praise the Lord. हर एक दुख तकलीफ से तुम लोग आया है, कोई कोई अच्छा से नहीं आया परमेश्वर के भवन में, कोई कारण से तुम लोग आज परमेश्वर की सेवा करता है. Praise the Lord. लेकिन वो कारण क्या होता है कि हमारा परमेश्वर जब हमारे अंदर में आता है तो हमारे जीवन को परिपूर्ण रीति से क्या करता है, हमारे जीवन परिपूर्ण रीति से वो बदल देता है. Praise the Lord. Amen. There is power in the blood of the Lamb. परमेश्वर के लहू में वो सामर्थ्य, वो शक्ति है. Praise the Lord. कोई बीमारी उसके आगे रुक नहीं सकता है, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत उसके आगे रुक नहीं सकता है. हर एक चीज परमेश्वर के लहू के द्वारा हो सकता है. Praise the Lord. तुम जानता है शैतान कांपने लगा हुआ है, तू वेग देख के कि वेग के बगल में भी खड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर के नाम जब सुना होगा वो शैतान अपने आप भाग गया वहां से. Praise the Lord. वो रुक नहीं सकता है क्योंकि वो जानता है कि ये हमारे बच्चे है और इनको अवश्य में आजादी को दूंगा. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. हम लोग के गिरजाघर में आज देखा हम लोग बहुत कम दिन लोग यहाँ पे. Praise the Lord. हम लोग सोचता है कि हम लोग के आशीष मिल गए, हम लोग के आनंद जीवन मिल गए, हम लोग यहाँ से बंद कर दिए, हम लोग नहीं जाएगा, इस संडे जाएगा उस संडे के फिर नहीं जाएगा, या इस संडे हम लोग आएगा उस संडे नहीं आएगा. Praise the Lord. लेकिन तुम कितना आशीष अपने जीवन में मिस करता है वो तुम नहीं जानता है. Praise the Lord. जितना अभी तुम नहीं आता है कितना आशीष तुम मिस करता है वो चीज तुम्हें मालूम नहीं है. परमेश्वर चाहता है कि हर एक आशीष से तू भरा रहे. Praise the Lord. और गिरजाघर में जब हम लोग आता है तो परमेश्वर के वचन सुनता है, हमें उत्साहित करता है हर एक रोज कि हफ्ता भर का जीवन हमारा जो रहेगा वो हर समय सफलता का जीवन रहेगा. Praise the Lord. बहुत चीज हम लोग मिस कर देता है क्योंकि हम लोग जब घर पर रहता है तो हम लोग उतना प्रार्थना नहीं कर पाता है, जब हम लोग घर पर रहता है तो उतना धर्मशास्त्र हम लोग नहीं पढ़ता है. Praise the Lord. लेकिन जब परमेश्वर के भवन में आता है तो परमेश्वर अपने आत्मा से हमें भर देता है. Praise the Lord. Amen. हम लोग वो चीज हमारा मिसिंग जो रहता है वो परमेश्वर भरना शुरू कर देता है. Praise the Lord. और हमारे जीवन में कुछ खालीपन नहीं रहता है, हर समय हर एक चीज हमारे जीवन में भरा रहता है. Praise the Lord. आज हम लोग देखेंगे विश्वास के विषय में, परमेश्वर विश्वास करने वालों पर क्या करता है परमेश्वर. Praise the Lord. तो हम लोग देखेंगे मार्क चैप्टर 5 वर्स 24 टू 34 में. Praise the Lord. मार्क चैप्टर 5 वर्स 24 टू 31 में हम लोग 34 में देखेंगे परमेश्वर में क्या बताता है. And they went with him. Much people followed him and they thronged him. यहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जहां जहां पर जाता रहा लोग वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा पे लोग उसके पीछा कर रहा था. Praise the Lord. लोग पीछे पीछे आता रहा और हर एक बीमारी लोग जो है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे आता रहा. कुछ आश्चर्य करने के बाद परमेश्वर जब उस रास्ते से गुजर रहा था तो बाइबल कहता कि वहां पर एक स्त्री जो 12 साल से बीमार थी. Praise the Lord. वो 12 साल से बीमार थी और 12 साल में
वो कितने के पास गया, हर एक लोग के पास गया वहां पर, लेकिन वो चंगाई को नहीं पाया. प्रेज द लॉर्ड. वो हर एक डॉक्टर, हर एक फिजिशियन के पास गया और वो चंगाई को नहीं पाया. प्रेज द लॉर्ड. और उस दिन वो जानता रहा कि जो वो क्राउड देखा तो प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा था. प्रेज द लॉर्ड. और इतना ज्यादा क्राउड रहा कि वो सोचता रहा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास हम जाए और उसके बताए कि हमारा बीमारी क्या है. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. और इन्हें देखते एंड ही एंड हैड सफर्ड मेनी थिंग्स एंड मेनी फिजिशियंस एंड हैड स्पेंट ऑल दैट शी हैड एंड वाज नथिंग बेटर बट रादर ग्रीव वॉस. प्रेज द लॉर्ड. उसने सब डॉक्टर के पास गया, उसने सबके पास गया, लेकिन उसका बीमारी जो रहा वो बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया. प्रेज द लॉर्ड. और यहां हम देखते हैं कि उसकी बीमारी जब इतना बढ़ गया वो सही नहीं पाया, तो हम देखते हैं कि ये स्त्री ने क्या सोचा कि सचमुच है अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा सच मुझे परमेश्वर हमें चंगाई दे सकता है. प्रेज द लॉर्ड. आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत समय तुम्हारे पास से गुजरता है, बहुत समय हमारे गिरजाघर से गुजरता है और हम लोग उसके आशीष उसके पा नहीं सकता, उसके पकड़ नहीं पाता, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर चाहता है आप बाहर से जितना अच्छा रहे उतना अंदर से भी अच्छा रहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर चाहता है कि अंदर से भी उतने अच्छा रहे जितना बाहर से. बहुत से लोग यहाँ बैठा है और वे लोग अच्छा तंदुरुस्ती दिखाई देता है लेकिन अंदर से उनके पास मुसीबत है, तकलीफ है, दुख है. प्रेज द लॉर्ड. उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, वह कोशिश करता है कि हर एक मुसीबत जो है उनके जीवन से निकल जाए. प्रेज द लॉर्ड. और ऊपर से वो अच्छा लगता है लेकिन अंदर से जब तुम देखेगा उसके बाद बहुत भारी प्रॉब्लम्स रहे और प्रॉब्लम के कोई समाधान नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. और यहाँ बाइबल कहता है कि स्त्री ने क्या किया, इसने अपने जीवन में सोचा और उसने कहा कि अगर मैं परमेश्वर के वस्त्र छूंगा मैं चंगाई को पाऊंगा. प्रेज द लॉर्ड. अगर मैं परमेश्वर को इतना विश्वास उसके पास रहा कि अगर मैं परमेश्वर के कपड़ा जो है उसको पकड़ूंगा तो मैं चंगाई को पाऊंगा. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर जिस रास्ते प्रभु यीशु मसीह जिस रास्ते से गुजर रहा था वहां पे सामर्थ्य रहा, वहां पे शक्ति रहा और वहां पे आशीष रहा, वहां पे चंगाई रहा. प्रेज द लॉर्ड. तो ये सोचा कि परमेश्वर के नहीं सकता जाए, पता है इतना भीड़ में कैसे जाए, और उसने सोचा कि परमेश्वर का वस्त्र जब मैं पकड़ूंगा तो मैं अवश्य चंगाई पाऊंगा. उतना विश्वास था उसके पास. प्रेज द लॉर्ड. कितना बार परमेश्वर इस रास्ते से गुजरता है और हम लोग उसके वस्त्र भी नहीं पकड़ पाता है, हम लोग की बीमारी के जीवन में रहता है, फिर हम लोग चला जाता अपने घर पर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कितना बार हमारे पास मुसीबत रहता है और फिर हम लोग अपने घर को चला जाता है, वही मुसीबत लेकर जाता है, फिर हम लोग आता है नेक्स्ट वीक वही मुसीबत लेकर आता है, लेकिन बाइबल कहता है कि जब तुम परमेश्वर को वस्त्र को पकड़ेगा अवश्य तुम चंगाई को पाओगे. प्रेज द लॉर्ड. और परमेश्वर जब इस रास्ते से सभा में गुजरता है, परमेश्वर इस रास्ते से सभा में जाता है, अगर तुम वस्त्र नहीं पकड़ पाया है तो तुम कल सिर्फ बैठा है खाली ड्रम के स्टाइल और तुम चला जाता है. प्रेज द लॉर्ड. तुम्हें जानना बहुत जरूरी है. अगर उस स्त्री ने कहा इफ आई कुड टच द गारमेंट ऑफ द लॉर्ड आई विल गेट हील. प्रेज द लॉर्ड. अगर मैं परमेश्वर के वस्त्र को छूंगा और वो चंगाई को पाऊंगा. और वो जब आगे बढ़ा और आगे बढ़ता गया और परमेश्वर का कपड़ा जब छुआ वो और वो परिपूर्ण रीति से चंगाई पाया और प्रभु यीशु मसीह वहां पर रुक गया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु यीशु मसीह वहां खड़ा हो गया और वो सोचता है कि किसने मैं उसने कहा कि किसने मुझे छुआ है. वो कहता है और यहां हम देखते हैं कि बाइबल कहता है कि चेले लोग ने कहा कि सच मुझे इतना लोग यहाँ पे है, कौन तुम्हें छुआ है. प्रेज द लॉर्ड. कैसे हम लोग बताए कौन छुआ है. प्रेज द लॉर्ड. किसी ने मेरे छुआ है जो कि मेरा जो सामर्थ है वो उसके ऊपर चला गया, मेरा चंगाई जो है वो उसके ऊपर चला गया है. प्रेज द लॉर्ड. और स्त्री ने आकर कहा कि सचमुच है प्रभु यीशु मसीह से कहता है यहाँ पर 34 में एंड ही सेड अनटू हर डॉटर दैट फेथ हैज मेड थी होल, गो इन पीस एंड बी विद थाय प्लेग. प्रेज द लॉर्ड. यहाँ बाइबल कहता है कि जाओ और शांति के साथ अपने जीवन जो है उसको तू बिता क्योंकि तू चंगाई को पाया है. प्रेज द लॉर्ड. आज हमारा परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है. प्रेज द लॉर्ड. जो कुछ तुम विश्वास के साथ मांगेगा परमेश्वर तुम्हारे लिए हर एक चीज को करेगा. प्रेज द लॉर्ड. हम एक चीज अपने जीवन में सीखा है कि हमारा जो परमेश्वर है वो एक महान परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर है. प्रेज द लॉर्ड. हम लोग एक बड़ा परमेश्वर को सेवा करते हैं. वी आर सर्विंग अ बिग गॉड. प्रेज द लॉर्ड. और जो कुछ अपने मान से तुम मांगेगा
बड़ा रीति से मांगो. प्रेज द लॉर्ड. और परमेश्वर तुम्हें बड़ा रीति से देगा. आज मसीह लोग कितना है, वो लोग छोटा छोटा चीज मांगे परमेश्वर से, और परमेश्वर लोग के छोटा छोटा चीज. लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है. प्रेज द लॉर्ड. वो चाहता है मैं बड़ा बड़ा चीज देने के लिए, लेकिन हम तैयार नहीं है अभी उसको स्वीकार करने के लिए. प्रेज द लॉर्ड. काहे मेरे जीवन में फिर लोग के बीमारी आता है, काहे मेरे जीवन में फिर लोग के तकलीफ आता है. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में लोग के तकलीफ आवे. प्रेज द लॉर्ड. वो चाहता है जब वो चंगाई दे दो परिपूर्ण रीति से चंगाई दे. परमेश्वर यह कहता है कि हु टच्ड माय क्लोथ्स, किसने हमारे जो वस्त्र है उसको छुआ है. प्रेज द लॉर्ड. आज परमेश्वर कितने बार परमेश्वर तुमसे चाहता है कि क्या तुम्हारी बीमारी. आज हम लोग यहाँ सब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा से आता है, तंदुरुस्ती रहता है, लेकिन हमारे अंदर कुछ ना कुछ मुसीबत रहता है. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर चाहता है कि परिपूर्ण रीति से आज तुम्हारी जो मुसीबत है उससे तुम छुटकारा को पा सके. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रेज़ द लॉर्ड. हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में उस समय गया प्रार्थना करने के लिए. प्रेज़ द लॉर्ड. और वहां एक अंधा व्यक्ति वहां पर बैठा था. प्रेज़ द लॉर्ड. आमीन. वो चल नहीं पाता रहा, वो लोग के पास कुछ नहीं रहा, कुछ उम्मीद नहीं रहा, कुछ आशा नहीं रहा. लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल कहता है कि परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है, परमेश्वर के पास वो शक्ति है कि जो कुछ परमेश्वर चाहता है वो चीज परमेश्वर कर सकता है. प्रेज़ द लॉर्ड. फिर हम देखते हैं कि बाइबल कहता है कि सोल को परमेश्वर ने दमास्कस के रास्ते में मुलाकात किया. सोल ऊपर से इतना तंदुरुस्ती रहा, उसके पास शक्ति रहा, सामर्थ्य रहा, लेकिन अंदर से उसके पास एक जलन रहा. प्रेज़ द लॉर्ड. उसके जीवन में जलन रहा, उसके जीवन में गुस्सा रहा. प्रेज़ द लॉर्ड. और वो क्या करता रहा, वो मसीह लोगों को प्रोसिक्यूट करके और मसीह लोगों को प्रोसिक्यूट करके उसको खींच कर बंदीगृह में बंद करता रहा. प्रेज़ द लॉर्ड. उन लोगों के पास आया, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सोल को उसके आंख सोल के ऊपर रहा ताकि एक दिन सोल को बचा सके. प्रेज़ द लॉर्ड. और यहां हम देखते हैं बाइबल कहता है कि जब सोल प्रोसिक्यूट करता रहा परमेश्वर के, परमेश्वर देखो एक चीज चाहता है, जब तुम्हें चुनता है तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में चाहता है कि तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए. प्रेज़ द लॉर्ड. देन यू बिकम अ वेसल ऑफ द लॉर्ड. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर उस वेसल को चाहता है कि उस तरह से रखे जिस तरह परमेश्वर चाहता है रखने के लिए. प्रेज़ द लॉर्ड. जैसे हर समय ब्रदर रवि प्रीच करता है कि सचमुच है परमेश्वर यहाँ लीडर को बनाता है, हर एक लीडर को परमेश्वर तैयार करता है इस अंतिम दिनों में, ताकि हर एक लीडर जो है वो परमेश्वर के कार्य जो है उसको बड़ी रीति से कर सके. प्रेज़ द लॉर्ड. और हमारे में बहुत कम लीडर यहाँ पर है जो काम को करता है. परमेश्वर हर एक को तैयार करता है, हर एक लोग, ताकि हर एक लोग वो लीडर को बन सके, वो काम को कर सके जो परमेश्वर चाहता है करने के लिए. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब सोल को चुना, परमेश्वर ने जब वो लेटर तैयार कर और वो दमास्कस के रास्ते में जा रहा था परमेश्वर के लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए, तो हमारा बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने सोल को दर्शन दिया. प्रेज द लॉर्ड. आकाश से ज्योति आई. हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास विश्वास था कि सचमुच है पोल जो रहेगा, यानी कि सोल जो रहेगा वो हमारी काम को करेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. अभी हम देखते हैं कि दमास्कस के रास्ते में जब परमेश्वर उससे मुलाकात किया, हम देखते हैं कि उसका आंख जो रहा 3 दिन अंधा हो गया. वो पूछता है कि तुम कौन हो. प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आई एम जीसस दैट यू आर प्रोसिक्यूटिंग. प्रेज़ द लॉर्ड. हम प्रभु यीशु मसीह है जिसको तू सताता है. प्रेज़ द लॉर्ड. हमें जब कोई सताता है तो सचमुच है वो परमेश्वर को छूता है. प्रेज़ द लॉर्ड. और परमेश्वर नहीं चाहता है कि उनके बच्चे जो रहे वो मुसीबत तकलीफ और दुख में रहे. प्रेज़ द लॉर्ड. और यहां देखते हैं कि जब सोल को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 3 दिन उसको क्या किया, 3 दिन उसको ड्रिल किया ताकि उसके अंदर से जो बीमारी है, जो दुख है, तकलीफ है, उसको भी वो अच्छा कर सके, यानी कि उसको चंगाई दे सके. ऊपर से तो बहुत तंदुरुस्ती रहा सोल के जीवन में. प्रेज़ द लॉर्ड. लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर चाहता रहा कि उसको अंदर से भी उस तरह से करे जिस तरह से परमेश्वर चाहता है उसको रहने के लिए. प्रेज़ द लॉर्ड. और हम देखते हैं कि सोल वहां से परमेश्वर की काम करना शुरू किया. परमेश्वर उसको जानना बहुत जरूरी दिखलाया कि तुम हमारे विल जो है उसको जानना बहुत जरूरी है. प्रेज़ द लॉर्ड. हमारी विल क्या है परमेश्वर में, हमें जानना बहुत जरूरी है कि तुम किसके लिए, कैसे तुम चुना गया है. प्रेज़ द लॉर्ड. और उसी प्रकार से तुम्हें जो काम है उसको करना जरूरी है. सोल वहां से रुका नहीं, जिस दिन से परमेश्वर से टकराया सोल का जीवन पूरा बदल गया. और वहां से सोल क्या किया, परमेश्वर का जो वचन है उसको प्रचार कर 3 रोज. प्रेज़ द लॉर्ड.
लॉर्ड तीन रोज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शैतान को इतना आफत किया प्रेज द लॉर्ड कि उसका मूड भी पछड़ा हो गया। उसी प्रकार हम देखते हैं कि सोल को तीन दिन परमेश्वर ने उसको अंदर से ऐसे किया था कि सोल ताकतवर के साथ परमेश्वर की जो आराधना है परमेश्वर की सेवा को कर सके। प्रेज द लॉर्ड आज परमेश्वर ने हर एक को यहाँ चुना है सोल की तरह ताकि हम परमेश्वर की काम को कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और यह कहता है कि कौन हमारे लिए जाएगा, क्या आज तुम तैयार हो? कह सकता है कि परमेश्वर यहाँ पर मैं हूँ, मुझे तू भेज। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि परिपूर्ण रीति से तुम्हें चंगाई देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं कि बाइबल कहता है कि परमेश्वर चाहता है उसकी आवाज को हम सुने। प्रेज द लॉर्ड। बहुत समय है कि हम लोग परमेश्वर की आवाज सुन नहीं सकता है और परमेश्वर जो चाहता है वो चीज हम लोग नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग अपने आप मांगता जो कुछ है वो चीज करे, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है जब हम वो चीज करेगा तब परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बहुत से आश्चर्यकर्म को करेगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर तीसरा चीज हमें दिखाता है कि हमें विटनेस बनना बहुत जरूरी है। स्त्री यहाँ पे रुका नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो स्त्री जाकर दूसरे को बताया कि सचमुच है हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो महान है। प्रेज द लॉर्ड। आज क्या तुम परमेश्वर के एक विटनेस बन सकते हैं? क्या लोगों को तू बताता है कि परमेश्वर तुम्हें चंगाई दिया है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तुम्हें आशीष दिया है। हमारे घर के बगल में एक आंटी रहता है, वो मुस्लिम आंटी है लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास करता है और जब कभी भी उसके बीमारी है कभी भी कुछ तकलीफ आई तो वाइफ कहने लगी है सुनीता के बोली बेटी का ने हमारे लिए तो प्रार्थना कर। उसके पास विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड कि सचमुच है हमारा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है वो चंगहारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और वो चंगाई को दे सकता है और वो क्या करता है जब आकर इससे प्रार्थना करता है तो वो चंगाई को पाता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक पादरी ने आया न्यूजीलैंड से और बोले काने बोले हमने भी प्रार्थना करा तो। प्रेज द लॉर्ड। और जब वाइस तो 32वां हमारे घर पर और प्रार्थना कर रहा था तो पादरी ने उसको सब चीज बताया जो कुछ उसके साथ होता था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने दर्शन दिया उस माँ के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। और वो बताना उसे शुरू किया क्योंकि हम जानते कि हम जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो राजाओं का राजा है प्रभुओं का प्रभु है वो जान सकता है कि हमारा मान क्या है। प्रेज द लॉर्ड। और वो जब बताना शुरू किया तो बोले हाँ बेटा बोले ये सब चीज हमारे साथ साथ होता है तो बोले कैसे तुम इतना बुढ़िया लगे बोले 59 ईयर्स के बोले तुम कैसे 85 में या 75 के लगता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें चंगाई नहीं देता है? प्रेज द लॉर्ड। क्या तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें आशीष नहीं दे सकता है? तो उसने सिखाया उसको कि सच मुझे इस तरह से तू जब रात के सुतेगा इस तरह से तू प्रार्थना कर ताकि तुम चंगाई को पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब रात के उचाई के और प्रभु यीशु मसीह से मांगा प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया नेक्स्ट डे उठकर कहता है कि बेटा इतना अच्छा से मैं नींद लगा बोले मैं पता नहीं लगा कैसे सुबह हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर से जाकर मांगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी कुछ भी विश्वास का है जब परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह से मांगता है तो अवश्य हमारे प्रभु यीशु मसीह है उसके प्रार्थना जो है उसको जवाब देता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ऐसे नहीं चंगाई देता, परमेश्वर अंदर और बाहर से तुम्हें चंगाई देता है। तो हमें जानना बहुत जरूरी है करके कि परमेश्वर के विल हमारे जीवन में क्या है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आज लोग कितने पाप से आज झगड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उनके पास कोई आसरा नहीं है, कोई विश्वास नहीं। लोग अपन पर विश्वास करता है लेकिन कोई आसरा आता नहीं, कोई सहारा आता नहीं है। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य इस अंतिम दिनों में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। वो कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज विश्राम पाने के लिए लोग कहां से कहां जाते हैं, कितना पैसा खर्चा कर देते हैं, उन लोग के विश्राम नहीं मिलता है। लेकिन जब हम लोग यहोवा परमेश्वर के पास आते हैं जो राजाओं का राजा है प्रभु का प्रभु है वो हमें विश्राम और आनंद जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हमारा परमेश्वर चाहता है कि परिपूर्ण रीति से तुम्हें चंगाई देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग के क्या हमारे प्रार्थना के जवाब को नहीं मिलता है, हमारे पास कम विश्वास रहता है कि प्रार्थना करता है परमेश्वर हमारे प्रार्थना के जवाब को दे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। लेकिन हम नहीं विश्वास करता है कि परमेश्वर अवश्य हमारी जो बीमारी है उसको चंगाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है तुम्हें चंगाई देने के लिए। आज हम लोग बहुत अच्छा लेकिन कुछ ना कुछ हमारे जीवन में है, मुसीबत है, तकलीफ है, परिवार के बोझ है। प्रेज द लॉर्ड। फैमिली में कुटमुट है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में कुछ बीमारी है, परमेश्वर चाहता है हमें परिपूर्ण रीति से चंगाई देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एक कहानी है, एक स्त्री की कहानी है। 1985 में जब इस टेस्टिमोनी को मैं सुना
मेरा आंख में आंसू भर गया सचमुच कि हमारा परमेश्वर जो है वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है. प्रेज द लॉर्ड. जैसे ये स्त्री को उस समय परमेश्वर उसके वस्त्र जो पकड़ा स्त्री और वो चंगाई पाया, इसी तरह एक स्त्री रा बेटी बेक्स्टर जिनके जो पैदाइश से क्रिपल था और वो 3 फीट खाली लंबा रहा और हर समय अपने सेठी में सुता हुआ था और उसके पास कोई सहारा नहीं रहा, कोई आसरा नहीं रहा. उसके पिता के पास इतना ज्यादा पैसा रहा. Praise the Lord. उसके पिता के पास इतना ज्यादा पैसा रहा अमेरिका में कि वो कितना पैसा से खर्चा करे फिजिशियंस में, डॉक्टर्स में, साइंटिस्ट में. Praise the Lord. सब चीज वो कर दी और वो हार गए हर एक चीज से. इतना कोशिश करी क्योंकि अमेरिका में जब तुम सुनेगा तो सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा डॉक्टर अमेरिका में है जो उसके इलाज कर सकता था. लेकिन उसके पिता इतना थक गए उसके पास कोई इलाज नहीं रहा. लेकिन उसके माँ जो रहा वो प्रार्थना का स्त्री रहा और हर समय सुबह को उसके माँ आती थी उसके सेठी के बगल में, उसके कहता है कि बेटी परमेश्वर जिसको हम सेवा करते प्रभु यीशु मसीह एक दिन अवश्य तुम्हें चंगाई देगा. प्रेज द लॉर्ड. और इसके पास विश्वास रहा कि सचमुच उसमें बेटी ने कहा कि सचमुच माँ अगर प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य और शक्ति है अवश्य वाकर में चंगाई देगा. शाम को फिर उसके माँ आता है उसके खाट के लिए, यानी कि उसके खाट या सेठी के लिए प्रार्थना करने के, उसके कहता है कि बेटी एक दिन परमेश्वर तुम्हें चंगाई देगा. चर्च के पादरी लोग ने आया प्रार्थना किया, बोर्ड में मालूम आए कि प्रार्थना किया और वो चंगाई तो नहीं पाया. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन उसके पास अटल विश्वास रहा. वही कहता है कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने पर विश्वास है, प्रेज द लॉर्ड, जो कुछ पास तुम्हारे जीवन में अगर तुम परमेश्वर प्रभु यीशु से मांगेगा तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह उसको उठा देगा. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. और कोई विश्वास नहीं किया कि ये लड़की कभी चल सकता है. और एक दिन वो प्रार्थना कर रहा था, उसके माँ आकर प्रार्थना कर रहा था और हर रोज हर सुबह हर शाम को उसके माँ आकर उसके लिए प्रार्थना कर रहा था. प्रेज द लॉर्ड. और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो परमेश्वर पर प्रार्थना, परमेश्वर अगर तुम्हारे पास सचमुच ताकत और शक्ति है तो सचमुच तू आकर हमें चंगाई को देगा. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. हमारे अंदर से बाहर तू हमें चंगाई को देगा. और यहां हम देखते हैं कि वो कहता है, वो स्त्री कहता है कि सचमुच है. एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहा था तो वो स्वप्न में चला गया, यानी कि सपना में चला गया. वो देखता कि वो एक गार्डन में है और गार्डन में ऐसा है कि पेड़ लोग गार्डन में है और धुआं धुआं के समान उस गार्डन में है और वो देखता है कि कोई व्यक्ति वहां से चलकर आ रहा है. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. और वो प्रार्थना करता रहा, देखता है वो व्यक्ति आ रहा है और उस व्यक्ति का सचमुच है बेटी मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुना है और मैं तुम्हें आकर चंगाई अवश्य दूंगा. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. और उसने बताया कि इस तारीख को मैं चंगाई दूंगा और थोड़ा देर में वो व्यक्ति है वो चला गया और बेटी के पास वो विश्वास किया और वो खुशियाली में झूम उठा क्योंकि वो जानता रहा कि सचमुच जिस परमेश्वर को सेवा करते है उस परमेश्वर एक दिन उसे चंगाई देगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. और यहाँ कहानी कहता है कि जब थोड़ी देर में उसकी माँ आया और उसे पूछा कि बेटी सचमुच है तू जानता है किस समय तू चंगाई को पाएगा. और बेटी कहता है क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू किसी को बताना नहीं. और उसके माँ आया और उसे कहा कि अब तू जानता है कि किस समय तू चंगाई को पाएगा. और उसने कहा कि कैसे तू जानता है माँ, क्योंकि वो शब्द हो गया कि कैसे ये हमसे ये सवाल को आज करता है. प्रेज द लॉर्ड. और उसने कैसे तुम जानता है जिस परमेश्वर को तू सेवा करता है उसी परमेश्वर को मैं सेवा करता हूँ. प्रेज द लॉर्ड. जिस परमेश्वर ने तुम्हें बताया है उस परमेश्वर ने हमें भी दर्शन दिया है. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. और वो बेटी इतना खुशहाली हो गया और उसने अपने पिता से कहा कि सचमुच है. उसके पिता एक रूम में उसके बंद कर दिस रहा और उसे कहा कि देखो हमारे पास पैसा वैसा खत्म है, तुम्हारा परमेश्वर जाने और तुम जाने यहाँ से. प्रेज द लॉर्ड. Amen. और उसने अपने पिता से कहा कि तुम जाओ एक ब्लू बोटा लेकर, ब्लू ड्रेस लेकर, ब्लू जूता लेकर, ताकि हम जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और जिस दिन मैं चंगाई देगा उस संडे को मैं गिरजाघर को जाऊंगा. प्रेज द लॉर्ड. और उसके पिता ने विश्वास किया, बोले तुम पकड़िएगा, बोले लेकिन ड्रेस लेकर उसके टीस और सब सेट कर दिए और जिस समय प्रभु यीशु मसीह बताया था आने के लिए. और उसने कहा कि माँ जब प्रभु यीशु मसीह आएगा क्यों नहीं हम लोग प्रार्थना में लगा रहे. प्रेज द लॉर्ड. जब प्रभु यीशु मसीह आएगा क्यों नहीं हम लोग प्रार्थना में लगा रहे, ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब हमें देखे तो हम प्रार्थना में उस समय लगा रहे, उससे बातचीत कर सके. प्रेज द लॉर्ड. और जब उस समय हुआ वो आंख बंद किया उसके माँ उस रूम में ना
और उसने जब देखा कि फिर वो गार्डन में चला गया और देखता है कि धुआं एक व्यक्ति आ रहा है और बेटी ने क्या सोचा कि अगर मैं उसके वस्त्र को छूंगा मैं चंगाई को पाऊंगा। स्त्री की तरह उसने सोचा कि सचमुच अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगा मैं चंगाई को पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह जब आगे गया आगे आते गया तो यहाँ वो टेस्टिमनी कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया और उसके कपड़ा जब छुआ परिपूर्ण रीति से वो चंगाई पाया। प्रेज द लॉर्ड। और 2 फीट लंबा हो गया क्योंकि परमेश्वर उसको चुना था उसको काम में लाने के लिए। परमेश्वर जानता है कि यही एक स्त्री है जो हमारे काम जो है उसको कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ कि जैसे वो परमेश्वर के वश हुआ 2 फीट लंबा हो गया और परिपूर्ण रीति से वो चिल्लाने लगा। उसके पिता दौड़ गया क्या हुआ क्या रूम में हुआ। उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। और कोई विश्वास नहीं किया। उसने जब संडे को चेत किया सब कोई शोक हो गया कि कैसे। और उसके पिता ने संडे मॉर्निंग सेवस में जब टेस्टमोनी का समय आया तो वो गया टेस्टमोनी बताने के लिए। उसने कहा कि मैं बहुत दिन से सोचता रहा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास ताकत नहीं है चंगाई करने की ताकत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसने कहा कि व्हाट द डॉक्टर्स इन अमेरिका कुन डू इन 15 इयर्स माय लॉर्ड डिड इट इन सेकंड्स। अमेरिका के जितना साइंटिस्ट और डॉक्टर जो 15 साल जो चीज नहीं कर पाए से हमारा परमेश्वर एक सेकंड में खड़ी कर दी से खड़ी उसके कपड़ा पकड़ने से। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर चाहता है तुम्हारी अंदर और बाहर से परमेश्वर चंगाई देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास कितना मुसीबत आ जाए हम लोग मुसीबत लेके बैठा है हंसता है खुशहाली मनाता है लेकिन हम लोग जानता है हमारे पास मुसीबत है। परमेश्वर चाहता है हर एक मुसीबत को अपने हाथ में लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और परिपूर्ण रीति से तुम्हें चंगाई देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। कितना लोग यहाँ बैठा है जिसके पास मुसीबत तकलीफ है परमेश्वर चाहता है उसको चंगाई देने के। वो नहीं चाहता कि उनके बच्चे दुख मुसीबत तकलीफ में रहे। व्हाट द डॉक्टर्स इन अमेरिका कुन डू इन 15 इयर्स उसका परमेश्वर सेकंड्स में कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर परिपूर्ण रीति से आज तुम्हें चंगाई दे सकता है। आमेन। हमारा विश्वास वहां से परमेश्वर उसको वहां पे रोका नहीं है। She became my evangelist preaching the word of God around the world. Praise the Lord. क्यों ये परमेश्वर किया? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो कमजोर है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि परमेश्वर उन लोगों को काम में लेकर आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर तुम नहीं तैयार है और तुम 20 साल से यहाँ बैठा है परमेश्वर क्या कहेगा? एक दूसरे जो नया लोग आएगा परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इट्स टाइम नाउ टू राइज अप एंड डू व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू। प्रेज द लॉर्ड। इस समय कि हम लोग खड़ा हुए और उस काम को करे जो परमेश्वर चाहता है करने के लिए। तो जितना चेयर रहेगा यानी कि जितना बेंचेस रहेगा वो भरा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अंतिम समय में परमेश्वर खोजता है कि कौन हमारे लिए जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हम बस रेडी है अभी एकदम। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग अंतिम समय से गुजरता है और उस समय से जब हम लोग देखता है इस दुनिया में कितना चीज ऐसे होता है जो हम लोग कभी नहीं देखा है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग खुश नसीब लोग इस जनरेशन में हम लोग खुश नसीब लोग है कि ये सब हम लोग देख सकता है ताकि हमारे विश्वास जो है वो बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। और ये सब देख कर हम लोग डरे नहीं क्योंकि हम जानता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। आज परमेश्वर चाहता है तुम्हारे दिल की गहराई तक देखे। वो चाहता है हमारे दिल को देखे हम किस स्थान पर खड़ा है क्योंकि बाइबल कहता है कि जो स्थान पर तू खड़ा है एक पवित्र स्थान है। हम एक बहुत बड़ा परमेश्वर को सेवा करते हैं। कोई चीज छोटा नहीं मांगता परमेश्वर से। हम हर समय परमेश्वर से सब चीज बड़ा मांगता है और जितना बड़ा हम मांगता है उतना बड़ा परमेश्वर हमें देवे। क्योंकि विश्वास करता है कि सचमुच परमेश्वर तू देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम छोटा चीज मांगेगा परमेश्वर तुम्हें छोटा दे हर समय छोटे छोटा दे। लेकिन जब तुम बड़ा चीज विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगेगा अवश्य परमेश्वर। बेटी ने कहा कि परमेश्वर हम चाहता है परिपूर्ण नीति से चंगाई पाने के लिए और परमेश्वर ने उसे क्या किया? परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। आज परमेश्वर तुम्हारे हर एक मांग को पूरा करता है कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जो बहुत सदमे हुए लोग परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम मसीह लोगों नहीं चाहता है कि दुख तकलीफ मुसीबत में रहे। हम मसीह लोगों को परमेश्वर चाहता है कि हम राजाओं का जिंदगी जिए। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हमारे जीवन आज हमारे दिल में क्या है आज हम किस चीज से गुजरता है परमेश्वर चाहता है। क्या तुम कह सकता है इफ आई पुट टच द गारमेंट ऑफ द लॉर्ड आई विल बी हियर। क्या हम कह सकता है कि सच मुझे अगर परमेश्वर के वस्त्र को मैं पकड़ूंगा तो चंगा। कितना भारी विश्वास है कि तुम सोचता है कि परमेश्वर हाथ नहीं पकड़ेगा
लेकिन उसके कपड़ा को पकड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पे इस रास्ते से परमेश्वर गुजरता, कभी कभी यहाँ पर इतना फायरिंग से बस रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा यहाँ से गुजरता है, हम लोग उसके पकड़ नहीं पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग बैठा रहता, गीत भी नहीं गा सकता है, प्रार्थना के समय हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं प्रार्थना कर सकता है? अपने हाथ बढ़ाकर परमेश्वर के वस्त्र पकड़ो, ताकि परमेश्वर तुम्हें चेन्नई को दे सकता है। तो ये वचन आज तुम्हारे बीच में मैं छोड़ना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर आज हम अपने जीवन को देखे हमारा जीवन किस स्थान पर है। बाइबल कहता है, द प्लेस यू आर स्टैंडिंग इज अ होली ग्राउंड। आमेन। द हार्वेस्ट इज रेडी, बट जो काम करने वाला वो कम है। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर जब आए हम लोग अपने काम में लगा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर जब हमें देखे तो सचमुच है कि लास्ट डेज के जो साइंस है, हमें एक 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 रीडिंग मिला है, उसमें लास्ट डेज के बारे में बताओ ये है। आमेन। और वो लीफलेट है कि परमेश्वर हमें दिखाता है कि सचमुच हमने आपको तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर का आने का समय बहुत नजदीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग के ग्रैंडफादर लोग बोलता रहा कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, नहीं आए इसे लोग चला गए। आमेन। लेकिन हम लोग क्या खुश नसीब लोग हैं कि परमेश्वर हम लोग के सब साइंस दिखावे कि हम लोग अपने आप को तैयार करें, ताकि जब परमेश्वर आवे हम लोग तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय हम और ज्यादा समय ब्रदर रवि को देंगे। Praise the Lord. एक ताली में बजाएगा। सच में परमेश्वर महान है। हालेलुया। जिसे ब्रदर साइमन बताता रहा, तो इसमें ज्यादातर फेथ के विषय में। Praise the Lord। यानी विश्वास। हालेलुया। तो एक मसीह होने के नाते हमारे अंदर में विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। और यहाँ आने से पहले, क्रिश्चियन होने से पहले हम लोग जानते हैं हम लोग अंधकार में। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम लोग अंधकार में रहते हैं, तो अगर इंग्लिश में हम लोग बोलेगा उसके, तो हम लोग बोलता है वी वर नो वेयर। प्रेज द लॉर्ड। द वर्ड इज नो वेयर, इट्स अ टू वर्ड। हम लोग नो वेयर। अच्छा, जब हम लोग अंधकार बोलता है, तो आपने चीज नहीं सोचो कि जब अभी बहने अगर अंधियार हुए तो अंधकार में हम लोग कुछ दिखाया नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तुम लोग सोचता है जगह जगह भक्ति करे थोड़ा मेरा तो दिखाया अंधियार में है ना। प्रेज द लॉर्ड। नहीं ना, अंधकार के वो मतलब नहीं है। मान लो पूरा फीकी में प्रकाव है, जनरेटर एकदम डाउन है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक को बत्ती नहीं भरे और रात में उसके अंधकार बोले। और जब वो अंधकार में हम लोग रहता है, वो अंधकार में से हम निकल के परमेश्वर में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो टाइम हम लोग बोले वी आर नो वेयर। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब हम लोग के मेल मिला प्रभु यीशु मसीह से भी, प्रेज़ द लॉर्ड, जब परमेश्वर से हम लोग मिला जुड़ा, तो जब तू वो डे नो और वेयर के जब हम लोग जोड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, जब उसके हम लोग जोड़ेगा, तो कौन सी हो जाएगा उसके जब पड़ेगा We are now here. Praise the Lord. आइए उसी तरह जब परमेश्वर से मैं मुलाकात पे हम लोग अंधकार से आज ज्योति में आ गया। Praise the Lord. तो जब हम लोग we are now here, हालेलुया, तो खाली here से बस नहीं हुई। Praise the Lord. हम लोग के मांगे विश्वास। जब विश्वास हम लोग के अंदर में रही, तब हम लोग अपने जीवन में आश्चर्यकरण को देखेगा। हालेलुया। जैसे उस कहानी में हम देखता है, वो जो स्त्री था, उसका जो लहू बहने की बीमारी रहा। Praise the Lord. वो कौन से अपन दिल में और दिमाग में सोची से कि खाली हम जाके परमेश्वर के वस्त्र के छुएगा और हम चंगाई को पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके अंदर में बोला विश्वास रखे, जैसे छुई और चंगाई को पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कोई चीज की चिंता नहीं करी, क्राउड के बारे नहीं करी, इतना मिलियंस ऑफ पीपल परमेश्वर के पीछे चलता रहा, उसमें से जाके और परमेश्वर के वस्त्र के छुई और उसके विश्वास उसे चंगाई दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तुम्हारे अंदर में भी कोई चीज के लिए विश्वास है, हालेलुया, तुम विश्वास से परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुम्हें जरूर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे प्रभु साइमन एक लेडी के बारे में टेस्टिमनी बताता था, 3 feet का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें भी क्या लगे, जब हम नया मसीरा, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उस टाइम लितिका के नाड़ा उखड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके नाड़ा उखड़े तो लोग गोड़ संगे रख के जो अंगूठा बोले नापा जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अंगूठा बोले छोटा पड़ा रही ना। हालेलुया। तब पास्ता लोग घर पे आए समान और बोले इसके हम प्रया करेगा, उसके खड़ा करे अंगूठा रखे हम देखा छोटा पड़ा, बोले हम प्रया करेगा, वो अपने अपन जगह आई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम अभी तक हम तो जनता है, नाड़ा तो बैठा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। कोई बोतल से मार के बैठा है, कोई रकम रकम से बैठा है, गोड़ झटके। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोला वो प्रार्थना से वो कैसे से खेल
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम बताता प्रार्थना पास जब करें शुरू करें से हम विक्षण किसी के प्रार्थना करता है जो टाइम प्रार्थना एंड वे प्राइस अलर्ट जब हम आँखी खोल के दिखा दोनों अंगूठा बराबर हालेलुया ये परमेश्वर क्या सही करा मैं हालेलुया तो जैसे बता जब बोला 3 feet जो स्त्री के बारे में बताता प्राइस अलर्ट तो परमेश्वर देखा उसके एक सेकंड में बोले 2 feet और बढ़ा दिस इला सही करो कहीं परमेश्वर सही करे और कोई नहीं प्राइस अलर्ट क्योंकि वो महान परमेश्वर है और उसके अंदर में विश्वास है प्राइस अलर्ट उसी के अंदर में विश्वास करा पड़ा उसके जब टेस्टमेंट देते रहा वास्तव में बहुत पावरफुल टेस्टमेंट हम अभी हाथ के रोबा सब करा गया प्रेज द लॉर्ड क्या परमेश्वर इतना महान है हम लोग के हालेलुया और हम लोग के ऊपर दुख मुसीबत तो हमेशा रहे प्रेज द लॉर्ड दुख तकलीफ में हम लोग लेकिन हम लोग के विश्वास से चले पड़ी बोले प्रेज द लॉर्ड एक कहानी में बताना चाहूंगा एक डोंकी के बारे में प्रेज द लॉर्ड ये गधा जो है ये बूढ़ा गया है ये बूढ़ा गधा है प्रेज द लॉर्ड और एक दिन ये गधा अचानक से एक कुआं में गिर जाता है प्रेज द लॉर्ड और ये कुआं ड्राई कुआं है कुआं भी पुराना है ड्राई है उसमें गिर जाता है हालेलुया तो इसके जो ओनर है उसके ट्राई करे वहां से निकाले के लेकिन वो कोई रकम से निकले नहीं वो गिर के भीतर प्रेज द लॉर्ड और उसके ओनर बोले अब कौन सी करेगा कुआं में गिर के कोई रकम से निकले नहीं कोई ऑप्शन नहीं है और वहां से चिल्ला हुए गधा प्रेज द लॉर्ड तो वो गाँव के लोगों के बोले लेटर पर सफल लेके आओ प्रेज द लॉर्ड बोले इसकी तोप दिख रहे बोले ये तोप दो तो नहीं है सामान है बोले तो गुड आएगी प्रेज द लॉर्ड और जैसे वो गांव वाले लोग सफल से मट्टी भी गए कुआं में प्रेज द लॉर्ड तो एक कुछ अमेजिंग हुआ है वो गधा में प्रेज द लॉर्ड कौन से हुए जैसे लोग भी गए उसके ऊपर मट्टी गिरे वो गधा मट्टी झटके प्रेज द लॉर्ड मट्टी झटके और एक स्टेप ऊपर ले गए क्योंकि मट्टी नीचे गड्ढा भरा है प्रेज द लॉर्ड हम लोग के भी जीवन अगर हम लोग रिलीज करें उस रकम से तो जब प्रॉब्लम तुम्हारे पर आवे तुम लोग प्रॉब्लम के लाद के घूमो नहीं प्रेज द लॉर्ड मुसीबत जब आए तुम्हारे अंदर में विश्वास है ना कि परमेश्वर है वहां तो तुम लोग प्रॉब्लम लेके चलो नहीं प्रेज द लॉर्ड जैसे वो जोली जो प्रॉब्लम लेके तुम चलता जोली बढ़ते रहे बढ़ते रहे तुम्हारे पहुंचे इस वक्त तुम्हारे बैठ जाएगा लेकिन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो गधा हम लोग के सिखावे वो बूढ़ा गधा हम लोग के सिखावे प्रेज द लॉर्ड उसके ऊपर मट्टी गिरे पीटी में झटके प्रेज द लॉर्ड तुम भी झटको बड़ा प्रॉब्लम आए प्रॉब्लम झटको और विश्वास के कदम लो प्रेज द लॉर्ड विश्वास के कदम आगे बढ़ो हालेलुया और थोड़ा देर में मट्टी बिकते जाए वो झटकते जावे स्टेप रखते जाए थोड़ा देर में गधा बाहर निकल गए प्रेज द लॉर्ड गधा बच गए अपने आप के बचा ली हालेलुया यू कैन सेव योरसेल्फ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तुम अपने आप की चिंता बचाओ हालेलुया क्योंकि आश्रम में नहीं हो हालेलुया हम लोग दिखता है थोड़ा प्रॉब्लम है ना पढ़ निकल के दौड़े लगता ई लीडर लगे दौड़े लगता ऊ लीडर लगे दौड़ता प्रेज द लॉर्ड नहीं परमेश्वर के लगे दौड़ो हालेलुया विश्वास से दौड़ो परमेश्वर के पास जाओ कोई भी प्रॉब्लम है झटक के जाओ हालेलुया और तुम अपने जीवन में आशीष को पाएंगे हालेलुया कलेक्शन फिनेंस में हम सब खड़े हो जाएंगे हालेलुया।